सो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आगे हमें एक और न्यू सीरीज के साथ वापस। और गाइस, इस सीरीज में खेलेंगे हम 2022 का सबसे बेस्ट गेम जिसका नाम है स्ट्रे। तो हाँ गाइस, स्ट्रे 2022 का है और इसमें ये शायद एक एक्सप्लोरर गेम है या थोड़ा बहुत सर्वाइवल, पता नहीं कैसा है, बस सर्वाइव भी करना है और ऊपर से एक्सप्लोर भी करते रहना है। और इसमें जो कैरेक्टर है हमारा गाइस, एक क्यूट सी छोटी सी कैट है। तो भाई मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है गेम। तो चलते हैं बिना किसी देरी करे गेम की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द स्ट्रे। तो भाई गेम में आते ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ। ओ चलो कोई नहीं। और हमारा कैरेक्टर कहाँ है वैसे, हम हैं कहाँ है वैसे। सबसे पहली बात, एक टनल टाइप की है या एक केव है, केव तो नहीं होगी, पता नहीं क्या है यहाँ पे। हमारी शायद कैरेक्टर ये नहीं, यहाँ पे दो कैट है, इनमें से कौन होगा यार। हाँ तीन कैट है गाइस, यहाँ एक और है, रुक जाओ। ओके गाइस, तो मुझे यही लग रहा है जिसने हमारी तरफ पीट करी है तो यही हमारा कैरेक्टर है। तो ओके यहाँ पे मिल चुका है। तो गेम ये भाई ग्राफिक्स ठीक ठाक है। और हम कहाँ हैं वैसे भाई, पीछे साइड कितना दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक, तो वो ओ गाइस हम इसके साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे इसकी पूंछ के साथ भाई खेल रहे हैं हम। भाई क्या क्यूट सी आवाज़ निकाल रहे हैं सभी के सब। चार कैट हैं, हम चारों दोस्त ही होंगे। ओके बहुत खेल लिया भाई, अब उड़ जा ठीक है। तब इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, इसके साथ भी खेलना ही होगा भाई। ये तो फाइट करने लग गए, ठीक है। तो इसके साथ ये कहाँ जा रहे हैं। ओके ब्लैक वाली कैट तो सो चुकी है। हाँ यहाँ पे ये भी शायद सोने ही जा रही है। हमको सबको मतलब सोने भेजना है क्या। चलो भाई तुम भी चलो सब सोने, अभी तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। हम हैं कहाँ यार वैसे, यहाँ से निकलेंगे कैसे। निकलना छोड़ो गाइस, यहाँ तो एक एक करके सभी सो रहे हैं, शायद हमें भी सोना ही होगा। तो एक काम करते हैं, पहले सो जाते हैं और बाद में देखेंगे यहाँ से कैसे एस्केप करना है। तो ओके गाइस, शायद बारिश बंद हो चुकी है क्योंकि अब आवाज़ तो आ नहीं रही। पूरी ब्लैक हो रही की स्किन। और एक मिनट, ये हम है गाइस, मारा कैरेक्टर। भाई के ग्राफिक्स है यार इसके, एक नंबर, नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स है भाई। बटरफ्लाई इसकी कान में बैठ चुकी है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे वेदर भी एकदम क्लियर हो चुका है भाई, धूप वगैरह निकल चुकी है। तो अब हमें शायद आगे का रास्ता देखना पड़ेगा कहाँ से। तो उड़ जाओ भाई सभी। और एक तो ऑलरेडी उठ के सामने की तरफ देख रही है भाई, क्या देख रही है देखते हैं, उसके पास जाते हैं। और हम तीन ही हैं, चौथी का है भाई। ब्लैक वाली कैट तो क्या अभी तक सो ही रही है, शायद शायद आ ही जाएगी। अब ये भाई कहाँ कूद गई है, वहाँ रास्ता भी है, मैंने तो देखा नहीं, एक बार चल के देखते हैं। और ये हैं कहाँ यार हम। तो ओके गाइस, यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, इनसाइड द वॉल। ऊपर वाली लैंग्वेज तो अलग है पर नीचे लिखा हुआ था छोटा छोटा। और अभी तक तो इस स्क्रीन में शायद हमें दो ही कैट दिखाई दे रही है, बाकी तीसरी और चौथी कहाँ है यार, पता नहीं यार। बिल्लियों के लिए सही होता है यार, कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं से भी जंप मार सकती है। देख सकते हो आप कितनी बड़ी बड़ी जंप्स मार रही है। तो ये तीसरी भी दिख चुकी है मेरे को, यहाँ साइड में है ये रही। तो हम तीन कैट हो गई, अब चौथी ब्लैक वाली कहाँ है। ब्लैक वाली तो शुरुआत से नहीं दिखी, जब से हम सोए हैं। चल आगे निकल गई होगी पहले ही। ओ ये रही भाई, पीछे से कहाँ से आई है, लैडर के थ्रू आई होगी, लैडर से यहाँ पे। और यहाँ पे भाई क्या है, ये तालाब टाइप का है भाई, पूरा ग्रीन हो रखा। यहाँ पे जंक लगे, पाइप्स हैं। और यहाँ पे लैडर से थ्रू आई होगी, एक बार चल के देखते हैं हम जा सकते हैं ऊपर। यहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन है। और ऊपर एकदम मस्त धूप खिल रही है।
तो मैं शायद आगे की तरफ ही चलना होगा। तो यहाँ पे भाई कितनी सारी ग्रीनरी हो रही है एकदम मस्त। ओके तो यहाँ पे भाई एल्ट से मियाओ करती है वो भाई, बहुत ही मस्त गेम है यार ये। यहाँ पे पाइप के थ्रू हमें शायद ऊपर जाना होगा। वैसे हम डायरेक्टली वहाँ से जंप तो मार सकते हैं यार, वैसे बिल्लियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी जंप मार सकती हैं। यहाँ से नीचे कूदते हैं यार, क्या चलना पाइप में भी और कहाँ और सब चले। ओके तो दो पीछे छूट गई थी भाई, आगे कौन चल रहा है ये हमारा लीडर। ओ मैं कहाँ दीवार में अपना मुंह पिटा रहा हूँ। ओके यहाँ पे क्यू दबाना है, अब माउस के लेफ्ट राइट। ओके तो यहाँ पे अपने नाखून से मतलब स्क्रैच मार दिए, किसी भी चीज़ में मार सकते हैं। फिलहाल तो हम पेड़ में मार रहे हैं, तो मर भी रहे हैं भाई। चलते हैं यार यहाँ से भाई। वो कैट तो सबसे आगे निकल गई जो सबसे पहले थी। यहाँ पे भी पता नहीं क्या है, यहाँ पे भी घास फूस उग रही है, यहाँ पे इतना मोटा पाइप है जंग लगा हुआ। ओके ओके यहाँ से जंप खा सकते हैं हम। तो चलते हैं भाई, ब्लैक वाली तो नीचे ही है, वो भी आ जाएगी अपना। वो तो कब किया, नहीं यार अभी नीचे ही है, नीचे से भी था क्या रास्ता। ओके वो यहाँ से आ गई, बिल्लियों के लिए सही होता है गाइस, कहीं से भी कूद सकती है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है भाई। ओके हम पानी पी सकते हैं भाई, छोड़ यार वो गंदा पानी है। और एक मिनट, हम हैं कहाँ भाई इसी भाई, नीचे की साइड इतनी भयंकर खाई है। और यहाँ पे भाई एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। हम भाई जंगल में तो नहीं हो सकते, क्योंकि जंगल्स में ये पाइप वगैरह और ये सीमेंट के बने हुए ये तो नहीं होते। चलते हैं आगे। और यहाँ पे कुछ कबूतर थे वो उड़ चुके हैं बिल्लियों को देखते ही। भाई कैट्स वैसे शिकार तो करती है भाई, पीछे ही हम हैं कहाँ यार। वैसे यहाँ पूरी जगह घास ही घास उग रखी है, तो कई दिनों से सफाई नहीं की यहाँ की। ठीक है तो यहाँ पे जंक लगे पाइप के थ्रू, हम पता नहीं कहाँ यार है भाई, कभी भी टूट सकते हैं मुझे तो ऐसा लगता है। ये जंक लगे हुए, यहाँ से जंप मारनी है ज़्यादा। ओके हमने इजीली मार दी यार, तभी तो बोल रहा हूँ कैट्स के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। और ये कहाँ चल रही है भाई, भाई थोड़ा सा धक्का लगे ना सीधा नीचे, तब मिलने भी नहीं है कहाँ है। तो यहाँ पे ओके यहाँ पे हमें स्पेस से जंप खाते रहनी है। आ चुके हम उधर, तुम जाओ इधर से, हम जाएंगे इधर से, अलग रास्ता भाई, हम अपने लिए अलग रास्ता बनाते हैं। कोई नहीं आगे तो हम भी चलने की कोशिश करें भाई, बहुत पतला आगे ग्रिल नहीं थी गाइस, चौड़ी वाली पतली वाली ग्रिल थी, इसलिए हम नहीं जा सकते थे। तो ओके यहाँ पे एक और जंप खानी है प्यारी वाली। और यहाँ पे भाई कितने सारे घास उग रखी है, फ्लावर्स भी उग रखे हैं यार बहुत सारे। हम चलते हैं जा रहे हैं आगे, पता नहीं हमें कहाँ जाना है, अभी तक कुछ पता नहीं है इस गेम में क्या करना है आगे। और ये क्या कर रही है भाई, ब्लैक वाली काइट यहाँ पे गाइस कुछ पकड़ रही है शायद, बटरफ्लाई वगैरह को पकड़ तो नहीं लिया भाई तुम, पता नहीं क्या सीन है इसका भी। चलते हैं यार आगे यार, कब हो कुछ यहाँ पे कहाँ जा। ओ के यहाँ पे भाई इतनी सी जगह है, यहाँ पे भी कैट के लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है गाइस। ओके तो यहाँ से हम होल्ड करके कुछ भी देख सकते हैं, जूम करके माउस का जो राइट वाला की रहता है। ओके हमें जाना था अभी साइड, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते थे, यहाँ पे वही लोहे के पड़े रहते हैं जो जिनसे घर बनता है यार, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, मैं भूल गया। जाना था हमें शायद उधर ही साइड जाना पड़ेगा। दो कैट तो ऑलरेडी चली चुकी है भाई, जा चुकी है, मतलब हमें भी जाना चाहिए बिना किसी देरी करे भाई, टूटेगा तो नहीं ना कहीं, पता चलता टूट रहा है तो बैलेंस बना दे एकदम मस्त होना। ये तो आगे आ रही है, इसी कैट का वजन ज़्यादा रहता नहीं है। तो फटाफट से यहाँ से प्यारी वाली जंप खाते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पे तीनों कैट उस साइड चले गए हैं, अब हमारी बारी। और कहीं ये पाइप टूटे ना भाई, मेरे को तो डर लग रहा है। गया गया ये पाइप गया। ओ अबे हम नीचे गिर गए हैं यार, अबे यार शिट, अबे तीनों कैट्स ऊपर रह गई हैं, अबे हम कहाँ गिर गए। हेलो शायद हम किसी खाई में गिर गए हैं, कोई शिट यार भाई, अपनी दोस्तों से अलग हो चुके हैं हम, अब हमें अकेले ही सरवाइव करना पड़ेगा। और शायद यहीं से ये गेम स्टार्ट। तो भाई पता नहीं कहाँ है गाइस हम,
ओ यहाँ पे एक टनल टाइप की है, क्या है भाई ये? शायद टनल ही टाइप की है। ओके तो हम चलते हैं आगे एक बार, देखते हैं क्या है। और भाई हमें कुछ ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैट है जो अभी तक होश में नहीं है भाई, इतने ऊपर से गिरी है तो उसमें सच्ची में होना है भाई। यहाँ तो भाई बहुत सारा गार्बेज पड़ रहा है शायद, और आगे इतनी बड़ी टनल है और हम भाई ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। जाहिर से बात है भाई, इतनी ऊपर से गिरे हैं तो पैर में चोट तो लगनी है, और हम फिर से बेहोश हो चुके हैं गाइस। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमको शायद होश आ चुका है, और हम हैं कहाँ वैसे भाई? हम कितनी नीचे गिरे वैसे? यहाँ पे एक लाइट, लाइट तो जल रही है यार। ओके यहाँ पे भाई रेड लाइट अचानक से जली, शायद हमें इसी डोर की तरफ जाना है। डोर तो लॉक है भाई, एक कैट कैसे खोल सकती है डोर? शायद कुछ होगा। हम हैं कहाँ यार वैसे? पूरी ब्लैक हो गई स्क्रीन फिर से। तो ओके गाइस, हम शायद यहाँ पे ये रहे गाइस, हमें ठीक ढंग से अब होश आ चुका है, हम चल सकते हैं ना? एक बार चल के देखा, हाँ चल सकते हैं ढंग से। हमें जाना कहाँ है? इस साइड तो भाई, इस साइड पता नहीं क्या क्या है, मुझे ढंग से दिख भी नहीं रहा, अंधेरा हो रखा है। और कहीं से तो पानी की आवाज़ आ रही है गाइस, जैसे ये पानी बह रहा होगा कहीं। और यहाँ पे लाइट, यहाँ पे गाइस पानी। छोड़ो यार इसको, आगे चलते हैं थोड़ा, देखते हैं आगे क्या है भाई। यहाँ तो पूरा कबाड़ खाना हो रखा है। अभी जाना किधर है हमें? शायद आगे लाइट से कुछ। ओके तो यहाँ पे एक ट्रॉली पड़ रखी है, जिसमें शॉपिंग मॉल में जाते समय मिलती है यार, पता नहीं क्या सीन है। सब मतलब सारे सिटी के लोग यहीं कबाड़ा फेंकते होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, और हम भी वहीं गिर चुके हैं। तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट जल रही है, और ये मैंने पहले भी देखी थी, शायद यहीं से होगा डोर स्केप का। ओके यहाँ नीचे से जा सकते हैं हम, और किसी सिटी में पहुँच गए भाई। और यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या है, आगे चल के देखते हैं एक बार। कोई होगा तो गाइस उसे खाना वगैरह मांग लेंगे, क्योंकि बिल्ली को भी भूख लगी है। और 1 मिनट, यहाँ पे कुछ लिखा रहा है, डेड सिटी। ओ शिट, हम कहाँ आ गए भाई? यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं रहता? तो फिलहाल के लिए गाइस ये वीडियो आज के लिए इतना ही है। तो हम फाइनली गाइस पता नहीं किस सिटी में पहुंच गए, जिसका नाम है डेड सिटी। अब मुझे नहीं पता वहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता भाई, मेरे को तो डर लग रहा है, क्योंकि डेड सिटी मतलब मरी हुई सिटी, पता नहीं यही होगा इसका मीनिंग। तो फिलहाल के लिए गाइस ये वीडियो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अपना सपोर्ट दिखाओ प्लीज़ गाइस, कर दो। और कमेंट में ज़रूर बताना ये गेम आपको कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड थैंक यू फॉर दी वॉचिंग गाइस, बाय बाय।